नाम और गांव का नाम बताओ। मेरा नाम चंद्रपाल है जी, चंद्रपाल। गांव का नाम खजुरवाड़ा। आप कौन से डिपार्टमेंट में जॉब करते थे? PWD में जी। उसमें पोस्टिंग क्या थी? बेलदार होगी। ये बेलदार क्या होता है? बेलदार यहाँ टोपकी लगाते हैं सड़क पर, कहना बारहमासी होते हैं, बारहमासी। तो जब आपकी जॉब लगी वो कौन सा सन था, कौन सा साल था और आपकी उम्र क्या थी? मैं 30 साल का लगा था, 21 साल का। कौन से सन की बात है? या सन 84 की। सन 84 की। हाँ जी। तो वो नौकरी आसानी से मिल गई थी या बड़ी मशक्क़त के बाद मिली थी? आसानी से नहीं, बहुत जॉब भरकर मिली थी, बहुत परेशानी हो गया था जी। नौकरी मिली थी पहले मेरे पिताजी थे और फिर मैं लगा था, वो मर गया था, डेट हो गई थी 87 में। मर्द आशिक पे थे आप? मेरे छोटा भैया, छोटा भैया मर्द आशिक। अच्छा, मैं फिर 5 महीने के बाद मैं पक्को में गया था, फिर बाप की जगह वो भी रगलो रह गया था बेलदार। जिस समय आपकी जॉब लगी, नौकरी लगी, उस समय समाज के घर के हालात क्या थे? जब तो कहना हमारा पड़ला बगड़ था, वो कच्चे मकान थे बिल्कुल, ये फिर अपना बनाए मैं लटर होगा। अच्छा, फिर पल्ले बनाए, बड़े ड्रिप बना रखे। आपकी पढ़ाई लिखाई कितनी है? मैं सिर्फ पाँचवीं पढ़ा। तो पाँचवीं को नौकरी कैसे मिली थी आपको? पाँचवीं नौकरी क्या ना, फिर मेरे पिताजी मर गए थे, टुक्की लगा करते थे ठुकुर काट का टुक्की, तो पिताजी मर गए, भाई की जगह पिताजी जगह पर लगाता छोटा भाई को, और मैं 4 महीने में पक्को में गया, 4 महीने में बस। अच्छा, जैसे अब रिटायर्ड हैं तो किस तरह का जीवन चल रहा है आपका? ये तो सही है, कोई मैं बीमार चल रहा, दिमाग में टेंशन बढ़ जा, दिमाग में टेंशन बढ़ जा। अच्छा, दवाई कहाँ से चल रही है आपकी? दवाई चल रही है, कहना पहले चल रही दिल्ली की, ये चल रही देहरादून की। अच्छा, टेंशन की वजह क्या है? तो दिमाग में टेंशन बनती है, कहना कोई तनाव है या कोई और वजह है? ना हो कोई नहीं, और कुछ नहीं, ना कुछ नहीं। अच्छा, जो आपकी पुत्र वधु हैं, बेटों की बहुएं हैं, वो क्या सेवा करती हैं आपकी? सेवा करते जो चारों सेवा कर रहे थे, 3 के ब्याह करे, तीन में बेचारे सेवा कर रहे, एक में लम्बे सेवा कर रहे थे। अच्छा, बेटों को कभी कोई कुछ झुंझलाहट, कोई शिकायत होती हो आपसे? ना जी, कुछ नहीं। जो पेंशन आती है वो कौन से बेटे को देना पसंद करते हो या सभी को बराबर तकसीम कर देते? पेंशन के टाइम जी में दे रही है, ये सब घरवार तो ना रहे हैं बच्चे। अच्छा जी, पेंशन क्या, मेरी घरवाली है उसको पह देता। कहाँ है घरवाली? वो बाहर गई घास लेने, मुंजे गेहूँ काट रही। तो आप अकेले रहते हैं, बेटे अलग रहते हैं? हम नर रहते हैं, बेटे नर रहते हैं। अच्छा, आपको खाना कौन देता है? खाना, हाँ? खाना कौन बनाता है आपका? मेरे घर वाले दम बनाते हैं। और जो ये आपके बेटे हैं, पुत्र वधु, ये खाना नहीं बनाते आपके? ना जी। और पेंशन लेते हैं? पेंशन भी खाना मैं अपने घर वाले दूँ बस, इन्हें पेंशन देता मैं 25,000 अपने घर वाले दूँ। तो आपको 25,000-50,000 जो भी आती है वो ख़त्म हो जाते हैं एक महीने में आपके पैसे? हैं नहीं तो खर्च हो जाते हैं। 20,000 रुपये जमा कर दूँ कहाँ? वहाँ का सहारनपुर बैंक घंटाघर पर, सहारनपुर बैंक बैंक है ना घंटाघर पर। तो ये जो बेटे हैं इनको मदद नहीं करते आप? मदद जी ना रहे, क्या नहीं क्या करूँ, सिर्फ 5,000 कटवाऊँ मैं, 5,000 रुपये बाकी हूँ रख दूँ बस। अच्छा, जैसे अब अकेले मतलब रिटायरमेंट के बाद जी रहे हैं आप लोग, तो कुछ पुरानी यादें, पुराने साथी जो साथ काम करते थे वो भी याद आते हैं? हाँ जी, याद है। क्या नाम है? कोई अजीज दोस्त आपका बहुत अच्छा जिसने आपके साथ 20-25 साल नौकरी की है और वो आपके साथ रहा है, ऐसा कोई दोस्त का नाम लेना चाहोगे? वो तो चमारी खेड़ा का करना रतन था, गोले सैनी का बस वो था। आ जाते हैं वो मिलने आपको? आ जा, आ जा मिलन, मैं भी चल जाऊँ मिलन हुई लंडा, चाहे मेरा लड़का ना, मैं लड़का ले चल जा, चल मिलूँगा। लड़कों को कितना पढ़ाई लिखाई कितनी कराई आपने? पढ़ाई लिखाई ना सबको पढ़ाई दिया, सबको पढ़ाई दिया, लिखाई दिया, कोई 10वीं कोई 12वीं का पढ़ लिया बस, कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं है। तो ज़िंदगी मज़े में जी रहे हो या अब भी तनाव में? नहीं, मज़े जी रहा हूँ। मज़े में? तो घूमने फिरने भी चले जाते हो कहीं? घूम जाऊँगा उस कब्र को देखा। नहीं नहीं, ये नहीं बाहर, जैसे देहरादून, मसूरी, दिल्ली, कहीं बाहर घूमने के लिए? ऐसे नहीं जाता, के अलावा एक फिर से लगा था मैं, फिर उधर से वापस आता हूँ पूर्व था, पूर्व तो वापस आ गया था। हाँ जी। तो क्या संदेश देना चाहोगे अपने रिटायर्ड लोगों को जो रिटायरमेंट के बाद जी रहे हैं, उन्हें किस तरह जीना चाहिए, थोड़ा कोई संदेश, कोई मैसेज क्या है आपके पास?
इन्हें मैं पैसा अगर मैं मरता हूँ तो जिन्हें इन्हें जो पैसा होगा वो एकदम बांट कर दे दूँगा। बांट कर नहीं, वो तो ये कैसे पता चले कि ज़िंदगी कितनी है? वो तो आपको एक टाइम फिक्स करना पड़ेगा ना। मेरा लड़का भगवानपुर फैक्ट्री में, जब उसे पता, उसका नाम जीत कुमार है, अच्छा वो लिएगा घंटा घर पर बैंक में पहुँचे मुझे बैंक में, और फिर मुझे वो लिएगा हुआ बस मोटरसाइकिल पर बैठा कर। अच्छा, जो पोते पोती हैं आपके उनको भी आप मदद करते हो? कर दूँगा क्या ना, कुछ टॉफ़ी वॉफ़ी चॉकलेट वगैरह खिलाते हो? खिला दूँगा, खुवा दूँ डेली या कभी कभी? नहीं डेली खुवा दूँ जी, वो मेरा आदमी दवा दूँ, खुवा दूँ सबको, 10-10 रुपये दे दूँ, ले भाई खा कर खुवा। लेकिन 10 रुपये में तो एक ही चॉकलेट आती है? एक नहीं, 10 रुपये बहुत चॉकलेट आवा है। हाँ सबको दे दूँ, बांट कर, नहीं रहता नहीं रहो ना, मैं 10-10 रुपये सबको दे दूँ, लो भाई। तो पोते पोतियों को देख कर मन खुश हो, किस तरह से होता है? हाँ खुश हो, मुझे तो अच्छा लगता है। हाँ अच्छा लगता है। कभी आपकी कोई झगड़ा फसाद बच्चों से हुआ है? ना जी कुछ नहीं। क्या नाम बताया था अपना? जीत को मेरा, अमित का, मेरा नाम चंद्रपाल, चंद्रपाल सैनी। और चंद्रपाल सैनी जो PWD से रिटायर्ड हैं, वास्तव में कितने सीधे सच्चे भोले लग रहे हैं, और इनको थोड़ी सी समस्या भी है, लेकिन सबसे अच्छी बात है सीधी सीधी बात कर रहे हैं, कहाँ बैंक है, कैसे वो अपनी पेंशन डालते हैं, कैसे बच्चों को देते हैं, लेकिन फिर भी ये अपनी पुत्र वधु और अपने बेटों से अब बहुत ही संतुष्ट नज़र आते हैं, और कहते हैं कि मरने से पहले जितना भी पैसा है सब उनको दूंगा। अगर उनके पुत्र वधु उनके बेटे सुन रहे हैं, उनके लिए बड़ी खुशी की बात है। हमारी इस रिपोर्ट पर अपनी राय ज़रूर दीजिए।